फिर से अकाउंट्स का एक क्वेश्चन कर रही हूँ और ये भी नहीं हो रहा है। सर तो बोल रहे थे कि पूरा 12th जैसे ही अकाउंट्स, और लॉ लॉ में सिर्फ 2 चैप्टर्स करे थे और वो भी अच्छे से याद नहीं हुआ है। सोचा था स्टार्टिंग में छोटे कर लूंगी पर एंड में कुछ हो ही नहीं पाएगा। इको भी सोचा था 12th जैसा है पर वो भी नहीं हो पा रहा है यार। पर मेरे तो सारे फ्रेंड्स मुझसे आगे चल रहे हैं, मैं ही सबसे पीछे हूँ। 12th में तो इतने अच्छे नंबर आ गए लेकिन अब फाउंडेशन में सबको उम्मीदें इतनी हो गई है लेकिन बिल्कुल आसार ही नहीं लग रहे हैं कि मेरा फाउंडेशन क्लियर होगा। बहुत टेंशन है यार जीवन में, साला जीवन ही बर्बाद है। मैं तो पढ़ ही नहीं रही, छोड़ो सो रही हूँ मैं तो, कल से पढ़ूंगी अब जो भी होगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारी ही सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो भी अपियर हो रहे हैं अभी जून की एग्जाम्स में। हमारे पास अभी बहुत कम टाइम बचा है, टोटल मिलाकर अगर हम देखें ना तो 1 महीना बचा है और शायद 1 महीना भी नहीं बचा है क्योंकि एग्जाम से कुछ दिन पहले तो हम सिर्फ लाइक अकाउंट्स वगैरह और इनको देंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो बहुत कम दिन बाकी है, बहुत सारा सिलेबस बचा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि यार कुछ स्टार्ट ही नहीं करा है, एंड तो दूर तक दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी तो 10-20% भी ओवरऑल कोर्स नहीं हुआ है, एग्जाम क्लियर करने के कहीं से कहीं तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हम बहुत ज्यादा गिल्ट में है, बहुत ज्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर और थोड़ा बहुत अंदर से डीमोटिवेशन और स्ट्रेस भी कभी कभार आ जाता है कि यार कैसे क्या होगा। प्लानिंग बनाने बैठते हैं ना तो प्लानिंग बनती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जितना हो पा रहा है पढ़ लो और अगर नहीं पढ़ा रहा है तो क्विट कर देते हैं, नवंबर में दे देंगे। ये सारी बातें अगर आपके मन के अंदर चल रही है ना तो आप बहुत सही जगह पर आ जा गए हो। आज मैं आपको जो भी टिप्स बताऊंगी, जो भी स्ट्रेटेजी बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको अश्योर करती हूँ कि एटलीस्ट आपके मन में वो जो ये सब नेगेटिविटी वाली बातें चल रही ना, ये सब हट कर आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, आपके अंदर एक वो उम्मीद जग जाएगी कि हाँ पास तो हो सकते हैं। देखो आप रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके हो, आपको देर भले ही हो गई है लेकिन ट्रेन अभी तक निकली नहीं है, तो आपको उम्मीद जब तक नहीं छोड़नी जब तक ट्रेन निकल नहीं जाए, ठीक है। तो हमको पूरा प्रयास अपनी तरफ से करना है कि हम अपने एग्जाम्स में अपना बेस्ट दे सके। कैसे क्या देना है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से और बड़ी बड़ी बातें सोचने से कुछ भी नहीं होगा, आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिएगी। सबसे पहले अगर मैं आपको अकाउंट्स का बताना चाहूँ तो आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स आपने कर रखा है, राइट, कंपनी अकाउंट्स आपने कर रखा है पहले से, तो इन सब चीज़ों का आपको एक बेसिक आइडिया है। गुडविल वाला चैप्टर तो कुछ ऐसा चैप्टर्स है बेसिकली, 8th चैप्टर, 7th चैप्टर, 10th चैप्टर, ये सब बड़े चैप्टर्स है लेकिन इनका आपको आइडिया है, आपने ये 12th में पढ़ रखे हैं। तो इन कुछ चैप्टर्स को अपनी कमांड पर रखो, मतलब बिल्कुल इसमें परफेक्शनिस्ट बन जाओ। इसका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपसे बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स है जैसे एनपीओ वगैरह, वो आपके सिलेबस में से 12th में कट हो गए थे तो आपने वो नहीं पढ़ रखा और वो चैप्टर थोड़ा सा भारी भी पड़ता है। थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो अधिकतर हम कवर नहीं करते हैं, पर इस पे भी हमको अच्छे से कमांड बनानी है क्योंकि ये वो पोर्शन है जो बाकी सारे बच्चे छोड़ के जाने वाले हैं, पर आपको यही पोर्शन कर अपने जो है मार्क्स कवर करना है, ठीक है। तो आप इन पर अच्छे से कमांड बना लो। और जो भी बहुत ज़्यादा हैवी चैप्टर्स है, अगर मैं बोलूँ एनपी हो गया जैसे चैप्टर, या फिर एक चैप्टर वो इन्वेंट्रीज वाला हो गया, उसमें आपका दिमाग जो है ना वो घूम जाता है, मतलब हम समझ नहीं पाते, उसके लॉजिक्स ही समझ नहीं आते एक बार में, तो ऐसे चैप्टर्स आपको एंड के लिए रखना है। और सिंपल चैप्टर्स जो हमने ऑलरेडी एक बार कर रखे हैं लेकिन वो मार्क्स कवरिंग भी है, ये वाले पहले चैप्टर्स करना है। आपको अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जाने हैं तो मैंने वीडियो में लाइक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप उस वीडियो पर जाकर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जान सकते हैं। लॉ की अगर हमारी एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी में बताऊँ तो वो ये रहेगी, आपके 5 कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, 5 आपके एक्ट्स हो गए। फर्स्ट हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट, LLP, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और BCR। इन 5 एक्ट में से सबसे बड़ा एक्ट कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर वो एक्ट अभी आपने स्टार्टिंग में लेने की सोची, आपने सोचा कि यार मैं स्टार्टिंग में वो कवर कर लेती हूँ और फिर बाकी सारे एक्ट्स कवर करूंगी, तो आप बाकी सारे एक्ट्स पे शायद पहुंच ही नहीं पाओगे क्योंकि वो इतना बड़ा एक्ट है, आपका इतना टाइम कंज्यूम कर लेगा और आपको इतना स्ट्रेस दे देगा ना कि यार इतना टाइम हो गया और अभी तक हम एक ही एक्ट पर बैठे हुए हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि उसको स्टार्टिंग में लेना है, आपको सबसे पहले जो कौन सा एक्ट लेना है कंपनी एक्ट से आप स्टार्ट करो पढ़ना, उसके बाद फिर आप पार्टनरशिप लो, फिर LLP लो, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लो और फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लो, ये आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि BCR में हमको कैसे क्या करना है, तो BCR पर आपको मेजर कमांड बनानी है क्योंकि मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे, BCR से। इंग्लिश आपको मार्क्स कवर करने में मदद करेगा, अगर आपने इंग्लिश में 30-35 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके आसानी से बहुत कम टाइम देके आप वहां पर इतने कवर कर सकते हो
और लॉ फिर क्या कर जाएगा कि 5 या 10 नंबर अभी अगर आप लॉ में लेना तो आप आसानी से क्लियर कर जाओगे। इतना सिंपल है लॉ को क्लियर करना, मतलब पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर क्या किस चीज़ पर आपको अपना ध्यान देना है। मेरे लॉ में 63 नंबर आए थे, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा था। अब आप सोच लो, मैंने BCR पर फोकस करा था, मैंने दूसरे एक्ट्स पर फोकस करा था। अब बात आती है कि मैथ्स में हमको क्या करना है। मैथ्स में पर्सनली मेरे 77 नंबर आए थे, 12th में मेरा मैथ्स नहीं था। मैंने कैसे करा, मैंने LR पर अपनी अच्छी कमांड बनाई, स्टेट्स पर अपनी अच्छी कमांड बनाई, और मैथ्स में मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर छोड़ दिया। मैंने नहीं करा वो, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे लिए वो करना पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में। आप चाहो तो आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर बिल्कुल ध्यान मत दो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस एंड सीरीज से कुछ ऐसे चैप्टर्स से मैथ्स के जिन पर आप अच्छे से कमांड बनाकर अच्छे मार्क्स कवर यहाँ पर कर सकते हो। और हाँ, अकाउंट्स में मैं आपको अपने मार्क्स बताना भूल गई, तो अकाउंट्स में मेरे 87 मार्क्स आए थे, जो कि मेरी कोचिंग पे मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। और ये मार्क्स मैंने सिर्फ ICAI मेट करके स्कोर करे हैं। सब सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ICAI मटेरियल करी थी और कुछ भी नहीं करा था। अगर आप कुछ और इसके अलावा रेफर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ICAI मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको वो समझ आ रहे हैं, वेल एंड गुड, आप कर लो। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अभी टाइम बहुत कम है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं भी आ रहे हैं तो रादर उनको छोड़ने के, आप उनको एक बार समझ के रट लो भले, पर आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है उसका। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन टफ लग रहा है, आप जो क्वेश्चन छोड़ने वाले हो ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। और फिर आपका ये एक्सक्यूज नहीं काम करेगा कि हमको समझ नहीं आता है, जो भी हो। आपको चीजें अगर लर्न रहेगी तो आप लिखोगे, अगर नहीं रहेगी तो आप कैसे लिखोगे। अभी डाउट, मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स पर कमांड बनाकर चलो। मैंने खुद ने प्रैक्टिस करा था, लेकिन कभी कभी कोई कंसेप्ट ऐसा होता है जो कि माइंड में बैठता ही नहीं जाके, तो रादर उसको छोड़ने के मैं ये बोल रही हूँ कि आप उसको लर्न कर लो भले, ठीक है। ऐसे एक दो क्वेश्चंस होते हैं, बाकी कंसेप्ट्स पर तो हमारी कमांड अच्छी होनी ही चाहिए। अल्टीमेटली क्या होता है कि ICAI मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे कि उसमें एक फिगर भी, एक डिजिट भी चेंज नहीं होगा। तो वो क्वेश्चंस हमको बिल्कुल छोड़ने नहीं है, उन पर फुल मार्क्स लानी है। फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी गलती उसमें बेसिकली नहीं करनी है। अब इको की मैं बात करती हूँ, इको में मेरे 83 मार्क्स आए थे। इसमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं इको में, एक इको होता है और एक BC के होता है। BC के कंपैरेटिवली मुझे टफ लगता था, और इको पे मेरी स्टार्टिंग लाइक 11th 12th से बहुत अच्छी कमांड थी। और हमको पता है अच्छी तरह से कि अकाउंट्स, मैथ्स और ये जो इको है, ये 12th का 60-70% या 80% मैं बोलूँ कि सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत 20-30% पोर्शन हमारा चेंज हुआ होगा। तो इस पर तो आपको नंबर कवर करने ही है, नंबर यहाँ पर छूटना ही नहीं चाहिए। और लॉ में हमको इतनी प्रिपरेशन करनी है कि एटलीस्ट उसमें हमारे 40 आ जाए, बाकी सब सब्जेक्ट में हमको एग्रीगेट मिलाकर 200-250 मार्क्स का एटलीस्ट टारगेट रखना है। क्योंकि आपकी ही जैसी सेम सिचुएशन में अगर मैं रहकर 310 नंबर ला सकती हूँ, तो क्या मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप 250 अभी भी एटलीस्ट ला सकते हो। अब आपको क्या करना है, ओवरऑल अपनी स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है वो मैं बता देती हूँ। महीना भर आपके पास बचा है, मतलब 30 डेज आपके पास बचे हैं, रिविजन का टाइम अलग से नहीं मिल पाएगा, ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ है, ठीक है। तो हम रिविजन का टाइम भी इसी 30 डेज में कैसे मैनेज करें वो मैं आपको पूरा बता देती हूँ। अभी सबसे पहले आपको लॉ डेली बेसिस पर करना है, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपने अभी से पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने उसको अभी से टाइम देना शुरू नहीं करा, रोज अगर नहीं पढ़ा, तो वो नहीं हो पाएगा। वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको पूरे पूरे दिन लेकर बैठ जाओ, वो बोर कर देगा, वो पढ़ने नहीं देगा। तो हम थोड़ा थोड़ा उसको डेली बेसिस पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पर एटलीस्ट 3 आवर्स रोज लॉ पढ़ना है और रोज मैथ्स पढ़ना है। ये दो सब्जेक्ट आपके डेली बेसिस पर 3-3 आवर्स चलने चाहिए, ठीक है। 6 आवर्स आपके इधर कवर हो गए, और 3 आवर्स आपको किसको देना है, अकाउंट्स को देना है स्टार्टिंग के 15 डेज में, और बाद में आपको किसको देना है, इको को देना है, ठीक है। तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स का हमने एक मंथ वाइज प्लान बना लिया। अब आपको लग रहा होगा कि यार देखो, 3 आवर्स अगर हम डेली 30 डेज में मैथ्स को देंगे और लॉ को देंगे तो ये तो हो जाएगा, लेकिन आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि 15 डेज में अकाउंट्स को कैसे कवर करें। 3-4 आवर्स जब आप अकाउंट्स को 15 डेज दोगे ना, तो आपको सबसे पहले ICAI मटेरियल ही करना है। हर चैप्टर में आपके पास मैक्सिमम यहाँ पर 7-10 इलस्ट्रेशंस जो रहते हैं, एग्जांपल्स जो रहते हैं वो रहेंगे। बीच के इलस्ट्रेशंस, पीछे के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब मिलाकर मैं बोल रही हूँ, एक भी कोई भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है। जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है, जो थ्योरी चैप्टर्स है, उनकी थ्योरी आएगी, बाकी किसी की थ्योरी अकाउंट्स में नहीं आएगी। तो बाकी जो प्रैक्टिकल सम्स है सिर्फ वो आपको करना है, ठीक है। आप चाहो तो 20-30% पोर्शन इसमें आप छोड़ सकते हो, क्योंकि 100% पोर्शन कवर करना अभी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो 70-80% पोर्शन आप कवर कर रहे हो, उसमें आपको ये ध्यान रखना है
कि आप उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं हो जो कि आप छोड़ रहे हो, या फिर आप ऐसा कर रहे हो कि यार अगर ये आ गया ना एग्जाम में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कोई भी चीज हमको नहीं रखनी है। ठीक है, अब रिविजन की अगर मैं बात करूँ तो हमको लॉ और मैथ्स तो हम डेली चला रहे, तो इसका रिविजन हमको एट लास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो। और अकाउंट्स का रिविजन आपको कैसे करना है, जो भी पूरे दिन में हमने पढ़ा है ना, उसके लिए हमको 1 या 2 घंटे मैक्सिमम निकालने हैं। ठीक है, 1 या 2 घंटे निकालकर उसको रात में हाथों हाथ रिवाइज करके सो। आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा है आपको पता है कि इस चीज में मेरी इतनी अच्छे से कमांड नहीं बनी है, मुझे और रिविजन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हाथों हाथ रात में ही रिवाइज करके सो, क्योंकि आपको अलग से रिविजन का टाइम नहीं मिलेगा। और जब ये चीज आप बाद में रिवाइज करोगे ना तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगी, और जब वही चीज पूरे दिन की करी हुई चीज आप उसी दिन के एंड में रिवाइज कर लोगे तो वो बहुत कम टाइम लेगी, और साथ ही में वो आपको इतने अच्छे से लर्न हो जाएगी ना कि आप उसको एग्जाम तक तो एटलीस्ट नहीं भूलने वाले हो। मैंने स्ट्रेटेजी बताई, उसमें अगर आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन अगर अभी भी रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हो, वहां पर आपको शायद थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो वहां पर आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो, जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपके लिए और ऐसी वीडियोस आती रहेगी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप वो भी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के ऊपर ले आऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।